now we come to few more types where degrees play important role one type is there are words where in their positive in their positive and in their superlative or कम्स लैटिन भाषा के कुछ शब्द comparatives की कंपेरिटिव मूलावस्था में और ना ही सुपरलेटिव में उसमें कुछ डिग्री होती है और उनमें ई e आर के बदले ओ आर आता है ऐसे कुल बारह शब्द हैं हम मेनी सच वर्ड्स विच एंड अप नॉट विथ ई आर बट विथ आर ऑल लैटिन वर्ड्स एंड फाइव वर्ड्स आर सच विच हैव लॉस्ट देयर टोटल कंपेरिटिव मीनिंग उसमें से पाँच शब्द ऐसे हैं जिसमें तुलनात्मक अर्थ अब खत्म ही हो गया है मैंने आपको बताया ना ई आर लगाने से क्या हो जाता है तुलना हो जाती है कंपेरेटिव होता है तो ये पाँच शब्द ऐसे हैं जिसमें कंपेरिजन नहीं होता बिल्कुल जो और वो ओ आर से होते हैं इंटीरियर इंटीरियर ऑफ द हाउस इज ब्यूटिफुल

तो मेजर एक आर्मी के पोज लेकिन मेजर का अर्थ होता है वयस्क और ऐसे ही माइनर का अर्थ होता है माइनर को क्या बोलते हैं जो वयस्क नहीं होते छोटे 18 साल से कम के लोग ही इज ए माइनर ऑल द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ एटीन आर माइनर्स अवयस्क लेकिन माइनर का एक और अर्थ है थोड़ा छोटा मोटा ही हैज मेड ए माइनर मिस्टेक नॉट ए मेजर मिस्टेक उसने कोई बड़ी गलती नहीं की है छोटी गलती की है अब ये देखिए तुलना नहीं है यहां पर ओ आर है ई e आर नहीं इन लैटिन वर्ड है सो देर आर फाइव वर्ड विच एंड विद ओ आर दे है दे आर कंपेरिटिव पोजिशन देर आर नो कंपेरिजन डन इन दिस रिगार्ड बट देन देर आर सेवन अदर वर्ड वेयर कंपेरेटिव इज गिवन एंड वी यूज इन प्लेस ऑफ दैन वी यूज टू दैन के बदले हम टू का उपयोग करते हैं इनमें इस अपवाद को आप याद रखिए यहाँ पर दैन नहीं आएगा आपको मैंने बताया जब कंपेरेटिव में हम दैन की बात करते हैं अधिकतर शब्दों में तो आप ये जान लो कि ये सात शब्द ऐसे हैं जिसमें आता है दैन नहीं और वो सात शब्द कौन से हैं इंफीरियर टू इंफीरियर होना मतलब से कम होना कम आंकना इंफीरियर सुपीरियर टू मतलब ज्यादा आंकना प्रायर टू के पहले आई केम प्रायर टू योर अराइवल तुम्हारे आने के पहले मैं आया ये सब शब्द ओ आर से समाप्त हो रहे हैं और ये सब शब्द लैटिन हैं ऐसे कितने शब्द हैं जो ओ आर से समाप्त होते हैं लैटिन हैं बारह बारह में से पांच जो हैं दे हैव लॉस देयर कंपैरिजन एंड बिकॉज दे हैव लॉस देयर कंपैरिजन वी डोंट यूज दैन एट ऑल क्योंकि कंपैरिजन में क्या होता है दैन होता है ना दैन का उपयोग पर इन पाँच में नहीं होता लेकिन दूसरे जो साथ हैं उसमें दैन का होता है ऐसा अर्थ हुआ नहीं उसमें दैन के बदले टू शब्द लाते हैं इनफीरियर टू सुपीरियर टू प्रायर टू सीनियर टू जूनियर टू आई एम जूनियर टू यू आई एम जूनियर दैन यू नहीं होगा माय डियर याद रखेंगे आई एम जूनियर दैन यू नहीं होगा आई एम सीनियर दैन यू नहीं होगा सीनियर टू होगा तो ये सात शब्दों में से पांच शब्द आपके काम के हैं बाकी दो का आप भूल जाइए उनका उपयोग नहीं के बराबर होता है लेकिन जो पांच का उपयोग होता है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत होता है तो रोज़मर्रा की जिंदगी में इंपीरियर सुपीरियर प्रायर सीनियर जूनियर ये हम लोग बहुत यूज़ करते हैं आप इतनों को ही याद रखिए रिमेंबर और जो मैंने पहले बताए जिसमें कंपैरिजन नहीं है किसी भी तरह का ना दान आता है ना टू आता है दे आर ऑल इंपॉर्टेंट वर्ड यू मस्ट नो दैट नाउ वी कम टू नेक्स्ट वन जिनमें डिग्री ही नहीं होती तुलना ही नहीं की जा सकती एडजेक्टिव में हमने पढ़ा कि तुलना हमेशा होती है लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें तुलना नहीं होती कर ही नहीं सकते तुलना नहीं होती मतलब कर ही नहीं सकते क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यार ये स्क्वायर जो बना है ये स्क्वायर दूसरे स्क्वायर से ज़्यादा परफेक्ट है दिस दिस इज स्क्वायर एंड दिस इज ए ऐसा बोलूँगा क्या या ऐसा बोल सकता हूँ क्या दिस इज ए गुड स्क्वायर एंड दिस इज ए बेटर स्क्वायर भाई स्क्वायर तो स्क्वायर ही है जिसकी चार चारों लाइनें बराबर होंगी जिसकी लाइनों चारों लाइनें बराबर होंगी और चारों एंगल नब्बे डिग्री होगा यही तो स्क्वायर कहलाता है ना तो अब बेहतर स्क्वायर कैसे बनेगा तो ये शब्द नाउन होते हुए एडजेक्टिव होते हुए भी इसका कोई कंपैरिजन नहीं है ऐसे राउंड दिस इज राउंड एंड दिस इज मोर राउंड ऐसा होगा क्या नहीं ना दिस इज मोस्ट राउंड वेरी फनी तो देर आर फ्यू वर्ड्स which cannot be compared. or there are few adjectives, i would say, which cannot have comparative degree and superlative degree. but there are few words, and you must know some of those which are very common. as i said, square. as i said, round. or as i said, nahi sakta, udharan ke liye perfect. Uh, you are perfect. and he is more perfect. and sham is मोस्ट परफेक्ट अरे अभी परफेक्ट मतलब तो होता है संपूर्ण परफेक्ट मतलब हर चीज में परफेक्ट है उसके बाद कोई और मोर परफेक्ट हो गया नो सो वी डू नॉट यूज कंपेरेटिव डिग्री ऑफ द वर्ड ऑफ द एडजेक्टिव परफेक्ट सिमिलरली स्क्र राउंड परफेक्ट यूनिवर्सल यूनिवर्सल मतलब सभी जगह जो है सभी जगह मतलब सभी जगह इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ ये एक सदैव के लिए सच्चाई सच सच्च है यूनिवर्सल ट्रूथ उसमें कोई ऐसा नहीं, नहीं इतना झूठ नहीं है अभी नहीं दूसरे शब्दों में ऐसे एडजेक्टिव जिसमें तुलना नहीं की जा सकती उसमें उसके कंपैरेटिव नहीं है उनके सुपरलेटिव नहीं है और मैंने जो उदाहरण दिया स्क्वेयर राउंड परफेक्ट नूनिक एट्सट्रा यूनिवर्सल मैं आगे बढ़ने से पहले एक बता दूं कि जो परफेक्ट है ना, फिर भी आजकल हम लोग बोलते हैं बोलचाल में और उसका उपयोग माना जाने लगा है कि सो एंड सो इज़ मोर परफेक्ट यार। ही इज़ द मोस्ट परफेक्ट स्पेस। दिस लेटर इज द मोस्ट परफेक्ट लेटर बोलचाल में इसे माना जाने लगा है केवल परफेक्ट शब्द के मामले में दो ग्रामेटिकली स्पीकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर दिस इज रॉन्ग बट देन वी हैव बीन यूजिंग इट एंड एज आई टोल्ड यू राइट एट द बिगिनिंग इंग्लिश इज एन इवॉल्विंग लैंग्वेज अंग्रेजी ऐसी भाषा है जो समय के साथ रोज अपने में कुछ नई चीज़ समा रही है और इसीलिए अंग्रेजी जिंदा है और बढ़ती जा रही है सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजन now we come to so having done these words now let's come to another exercise and that exercise is search for the adjectives search for the adjectives and tell us which degree so i'll just do few sentences search for the adjectives from this sentence and find out whether it is comparative or टिव द पुअर वूमन हैड सीन हैप्पियर डेज द पुअर वूमन हैड सीन हैप्पियर डेज इसमें एडजेक्टिव है क्या यस है कौन से हैं पुअर और दूसरा और है क्या येस देर इज वन मोर हैप्पियर नाउ यू फाइंड आउट कि कौन सा है ये पुअर इज वॉट पुअर इज पॉजिटिव एंड हैप्पियर इज कंपेरेटिव सिमिलरली डू नॉट टॉक नॉन सेंस लेकिन यहां लिखा है डू नॉट टॉक सच नॉन सेंस इसमें एब्जेक्टिव कौन सा है हिंदी में अनुवाद क्या होगा इसका डू नॉट टॉक सच नॉन सेंस ऐसी व्यर्थ की बात मत करो कैसी ऐसी जैसी तुमने कही है जैसी तुमने सुनी है वैसी तो ऐसी क्या है वो विशेषता बता रहा है किसकी विशेषता बात की ऐसी बात तो ऐसी हुआ एडजेक्टिव यानी सच डू नॉट टॉक सच नॉन सेंस नाउ सच विल कम अंडर वॉट एडजेक्ट वॉट डिग्री वॉट डिग्री पॉजिटिव नेक्स्ट इज मेक लेस नॉइस make less noise. less what is the positive of less? what is the positive of less? less is the comparative less noise. less than your noise or say? so less. let us turn to the next one. say the same thing twice over. say द सेम थिंग ट्वाइस ओवर इसमें विच इज द एब्जेक्टिव विच इज द एबजेक्टिव एड द एब्जेक्टिव इज सेम वही वही चीज को दो बार बोले उसी चीज को दो बार बोले दूसरी नहीं अगेन इट इज पॉजिटिव नेक्स्ट सेंटेंस इज हंगर इज द बेस्ट सॉस देखिए सॉस की स्पेलिंग हम लोग लो रोज सॉस खाते हैं स्पाइसी थिंग्स के साथ सॉस आप जानते हैं ना उसकी स्पेलिंग है एस ए यू सी ई -E। उच्चारण है सॉस एस ए यू सी ई सॉस हंगर मतलब भूख हंगर यानी भूख हंगर इज द बेस्ट सॉस मतलब क्या हुआ भूख जो है सबसे अच्छा सॉस है अच्छा सॉस अच्छा, का काम क्या होता है हम सॉस क्यों लेते हैं वो हमारे खाने की इच्छा को बढ़ाता है यदि हम सॉस के साथ समोसा खाते हैं तो एक के बदले हम दो खाएंगे क्योंकि सॉस हमारी स्वाद को बढ़ाता है बेहतर करता है सो हंगर इज़ द बेस्ट सॉस मतलब हंगर जो है भूख लगे वही सबसे अच्छा सॉस और इसमें कौन सी डिग्री है एडजेक्टिव कौन सा है द बेस्ट थर्ड डिग्री गुड बेटर बेस्ट द बेस्ट यानी सुपर लेटिव डिग्री द नेक्स्ट सेंटेंस दैट वी मेक इज ओपन रिब्यूक इज बेटर देन सीक्रेट लव रिब्यूक यानी झिड़की देना खुली झिड़की सीक्रेट लव से बेहतर है छुपे हुए प्यार से बेहतर है खुली झिड़की दृष्टिगोचर झिड़कियां नाराजगी इज बेटर दैन दैट इज कंपेरिटिव डिग्री इज बेटर देन नेक्स्ट इज आई प्रोमिस यू ए फेयर हेयरिंग आई प्रोमिस यू ए फेयर हियरिंग फेयर मतलब क्या है हेयरिंग मतलब क्या हेरिंग माने आपकी बात को सुनने के लिए मैं तैयार हूं फेयर हियरिंग सुनने का मौका देना जज साहब हमें सुनने का मौका देते हैं तो हम कहते हैं जज ने हमें हियरिंग का मौका दिया और फेयर मतलब ईमानदार यू आर वेरी फेयर फेयर का गोरा भी होता है फेयर मतलब किराया भी होता है और फेयर मतलब ईमानदार भी होता है यू आर वेरी फेयर तुम बहुत ईमानदार हो एफ ए आई आर यू आर वेरी फेयर तुम बहुत गोरे हो लेकिन द बस फेयर इज वेरी हाई वहां पे फेयर की स्पेलिंग क्या है एफ ए आर ई तो यहां जो मैं मैं वाक्य बना रहा हूं वो क्या है दैट आई प्रोमिस यू ए फेयर हियरिंग मैं तुम्हें वादा करता हूं कि ईमानदारी से तुम्हारी बात सुनूंगा तो so ये कौन सा हुआ फेयर फेयर फेयरिस्ट तो फेयर हुआ पॉजिटिव डिग्री नेक्स्ट इज नो न्यूज इज गुड न्यूज कोई भी खबर अच्छी नहीं होती नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़ मतलब क्या यदि कोई खबर नहीं आई इसका मतलब सब कुछ अच्छा है होता है ना कई बार हम कहते हैं कि पिताजी गांव में हैं बेटा शहर में दूर है और हम पिताजी से पूछते हैं आपके कि कोई खबर आई क्या तो पिताजी बोलेंगे नहीं बहुत दिन से नहीं आई तो खुद ही आगे बोलेंगे नो no न्यूज कोई खबर नहीं है मतलब सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि यदि कुछ बुरा होता तो कुछ खबर आती यदि तबीयत ठीक नहीं होती तो मुझे खबर आती उसको कैसे शॉर्ट में बोला नो न्यूज इज गुड न्यूज सो गुड इज वॉट गुड इज पॉजिटिव लेड इज हैवियर देन एनी मेटल लेड इज अदर मेटल ई आर लगाया तो क्या होता है वो कंपेरेटिव Lead is heavier than any other metal. So with this, we have done quite a lot of words by way of exercise. I have no other thing to attend to. no other thing. now with all these answers that is being given from this end, we want that you do something. So let me do some give some more sentences without telling you the answer. I have other things to attend to. The next one is I congratulate him on his good fortune. I congratulated him on his good fortune. Next is the longest lane has a turning. Lane, matlab, salak, turning, matlab, more. The longest lane has a turning. And last is, Hari is the tallest boy in the class. Very simple ones. Find out the answer, do it yourself. This is an exercise on finding out, identifying the adjective and also finding out the degree. Now we come to the next, and that is make not sentences, make the comparative and superlative of these words. Make the comparative and superlative of these words. कीपिंग इन माइंड द लॉज और द रूल दैट यू स्टडीड जो लॉज और रूल्स हमने पढ़े सीखे कुछ देर पहले उसको ध्यान में रखते हुए इनको आप इनका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाए क्लेवर क्या होगा क्लेवर का ई ER आर होता है तो क्या होता है और सिलेबल की भी बात हुई थी तो ई आर क्लेवर क्लेवरर क्लेवरेस्ट प्रेटी प्रेटी का क्या है वाई होता है तो क्या बताया गया था आई हटा दीजिए और वाई uh, हटा दीजिए आई जोड़ दीजिए और ई एस टी pretty प्रेटी प्रेटियर honest ऑनेस्ट का क्या होगा ऑनेस्ट यहाँ पे दो सिलेबल हैं और दो सिलेबल हैं और इसमें डबल टी की गुंजाइश नहीं है तो हम क्या बोलेंगे मोर ऑनेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट मोर ऑनेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट नेक्स्ट इज होपफुल होपफुल में कितने सिलेबस हैं दो तो हैं ही तो so, दो सिलेबल हो तो हम क्या बोलेंगे मोर होपफुल एंड मोस्ट होपफुल जब ये जब ये तुलना करते हैं तो याद रखो आप इतने हमने शब्दों की तुलना की तो एक चीज़ याद रखो कि तुलना जब करने वाले शब्द बनाते हैं फॉर्म ऑफ कंपैरिजन तो वो कर्णप्रिय हों वी मस्ट फील कंफर्टेबल इन सेइंग एंड आल्सो इन हीरिंग सुनने में अच्छा लगे यदि सुनने में ये कंपैरिजन गलत लग रहा है तो समझ जाइए हमने कुछ गलत बनाया है ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर कैसे लगेगा आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आपको सोचना होगा कि कुछ और है बट देर इज नो लॉ लेकिन हाँ ये तय है दैट इंग्लिश लैंग्वेज ट्राइज टू मेक्स एवरी साउंड लुक सूदिंग टू आवर ईयर्स हमारे को कान को प्रिय लगे सो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते समय सुपरलेटिव बनाते समय ख्याल रखें कि कान को सुनने में अच्छा लगा कि नहीं ये उसका एक टेस्टिंग है सही आ, सही कंपैरिजन और सही सुपरलेटिव बनाने का इंटरेस्टिंग मोर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग यह शब्द कैसे होता है इंटरेस्टिंग मतलब क्या होता है यहाँ पे रुचि रुचिकर रुचि रुचि रुचिकर रुचितम अब अभी जो मैंने बात किया आपको कि कौन सा इंटरेस्टिंग है और आईएनजी लगा हुआ है इंटरेस्ट मूल शब्द है और उसमें आईएनजी लगा है ये आईएनजी वाले शब्दों के बारे में हम आगे बात करेंगे इंटरेस्ट मतलब क्या है इंटरेस्ट तो एक संज्ञा है रुचि और इंटरेस्टिंग मतलब रु, रुचि होना इंटरेस्टिंग इन so, interesting more interesting and most interesting um, some of you must have seen that film uh, the name of the film is mission impossible have you heard of it mission impossible series so, so if I put it mission impossible one was interesting Mission impossible 2 was more interesting. Koi kehta hai, but Mission impossible 6, your last, tha, that was the most interesting. film. So, how you can make words out of these nouns and also by adding ing adjectives out of these words that's what you have learned. We'll do further on that now. Attractive more attractive most attractive heavy heavier heaviest heavy heavier heaviest fortunate more fortunate most fortunate so this is the exercise where you have been asked to do this though we have done it positive comparative and superlative degree of these words now so we come to the next exercise कंपेरेटिव या सुपरलेटिव से खाली स्थान भरो फिल अप द ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स विद कंपेरेटिव और सुपरलेटिव यू हैव टू फिल अप द करेक्ट वन हाउ इज योर ब्रदर टूडे ही इज देश इज गुड क्या लिखेंगे हाउ इज योर ब्रदर टूडे तुम्हारा भाई कैसा है क्या वो अच्छा है ऐसा पूछते हैं क्या हिंदी में क्या वो सबसे अच्छा है ऐसा बोलते हैं क्या नहीं हम बोलते हैं क्या वो आज बेहतर है तो so, हिंदी में बेहतर मतलब कंपेरेटिव सो वी विल राइट बेटर इज ही बेटर क्या वो बेहतर है मे इज हॉटर देन एनी अदर मंथ मे इज हॉटर देन एनी अदर मंथ गुड के लिए हमने लिखा बेटर हॉट के लिए हमने लिखा हॉटर प्रेटी प्रेटी से क्या बनता है हर डॉल इज डैश देन योर्स तुम्हारी गुड़िया की तुलना में मेरी गुड़िया बेहतर है कि मेरी गुड़िया बेस्ट है कि मेरी गुड़िया अच्छी है तुम्हारी गुड़िया की तुलना में मेरी गुड़िया अच्छी है या मेरी गुड़िया बेहतर है तो हिंदी भी हम थोड़ा सही करें अपनी बहुत बार हम बोलते हैं तुम्हारी गुड़िया की तुलना में मेरी गुड़िया अच्छी है तुम्हारी साइकिल की तुलना में मेरी साइकिल अच्छी है साइकिलें तो दोनों अच्छी हैं पर उन दोनों साइकिल में से एक बेहतर है और मैं क्या कह रहा हूँ मेरी साइकिल बेहतर है सो माई डॉल इज़ बेटर देन योर्स सिमिलरली शार्प योर नाइफ इज शार्प बट माइन इज लेकिन मेरी जो है वो क्या है शार्पर है मेरी जो है शार्पर माई नाइ इज शार्पर रिच ही इज द रिचेस्ट मैन इ वर्ल्ड ही इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड इसमें एक चीज आप समझ लो कि फिलिंग द ब्लैंक में यदि दी लिखा हुआ हो डैश के पहले तो मतलब थर्ड डिग्री है सुपर लेटिव डिग्री है डालना मैं आपको बता दू आप प्रैक्टिस में समझ जाएंगे आगे हम आर्टिकल जब पढ़ेंगे तो आप समझेंगे अभी फिलहाल ये जो द ब्लैंक्स हैं इसमें जहां दी लिखा है दी किसके पहले डैश के पहले तो आप समझ जाइए कि मैं किस डिग्री यहां पे कौन सा डिग्री भरना होगा सुपर लेटिव डिग्री द बेस्ट द टॉलेस्ट द हैवीएस्ट द मोस्ट ब्यूटीफुल दी आएगा यहाँ पे मनी इज टू ईयर अब ओल्ड भरना है मनी इज टू ईयर ओल्डर देन रवि ओल्डर क्यों आएगा क्योंकि भाई है कि नहीं है ये पता नहीं है तो एल्डर तो आएगा ही नहीं तो ओल्ड old का ओल्डर होगा ऐसे ही बैड ही इज द डैश बॉय ऑफ टू बैड को तीनों फॉर्म चलाइए मैंने बताया था आपको बैड वर्स वर्स्ट और एक और कौन सा शब्द था जिसके साथ वर्ष और वर्ष आता है इल वर्स वर्ष बैड के साथ यहां क्या आएगा द वर्ष क्योंकि द लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक में दी लेटर दी वर्ड ऑलरेडी है और मैंने आपको बताया दी आएगा तो हमेशा सुपर फॉर्म आएगा द वर्ष बॉय ऑफ द लेकिन ही इज द डैश बॉय ऑफ द टू ही इज द वर्स बॉय ऑफ द टू यहां दी में वर्स आया तो so यहां पर दी देखिए सुपरलेटिव में हमेशा दी तो रहेगा ही बहुत बार हम देखते हैं कि दी का उपयोग कंपेरिटिव के लिए भी होता है टॉल ही इज द टॉलर ऑफ द टू The taller of the two. Dear, dear मैंने मैंने आपको बताया my dear friend, और ऐसे डियर कार्थ महंगा भी होता है यहां पे डियर की यदि हम बात करें तो डियर कार्थ महंगा डियर dear, dearer, dearest, महंगा उससे ज्यादा महंगा सबसे ज्यादा महंगा प्यारा उससे ज्यादा प्यारा सबसे ज्यादा प्यारा तो ऑनर इज डर टू हिम देन लाइफ जीवन से ज्यादा उसे ऑनर प्यारा है सम्मान प्यारा है किससे ज़्यादा जीवन से ज़्यादा उसे सम्मान प्यारा है ऑनर इज डर टू हिम देन लाइफ तो आई थिंक विद दिस वी हैव ऑल्सो डन कंपेरेटिव और सुपरलेटिव फिलिंग अप बाई फिलिंग अप दिस डैश फॉर्म And by now, you must have understood. I give you a few more words for you to do the exercise. And that is the sentence and the word. One is useful. Iron is dash of all metals. Fill up the dash. Next is great. Who is the dash living poet? Living poet. Next is good the public is the dash judge the public is the dash judge next is little that is the dash price i can take that is the dash price i can take and last is light silver is dash than gold silver is dash than now you find out do correct and remember यदि सुनने में खराब लगेगा तो समझिए कुछ गलती हो रही है उसको सुधारें ओके आफ्टर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग ए फ्यू रूल्स इन जनरल अबाउट मेकिंग एडजेक्टिव्स आउट ऑफ एंड हाउ टू मेक इट आउट ऑफ वन सिलेबल वर्ड एंड टू सिलेबल वर्ड एंड ऑन सो फोर्थ लेट्स मूव टू फ्यू मोर ऑफ दैम विच अस इन मेकिंग adjective correctly. Now आपको एक चीज याद रखनी होगी कि जब भी दो वस्तुओं की तुलना होती है केवल दो वस्तुओं की एक की तुलना यदि आप दूसरे से करते हैं तो उस तुलना में आपको केवल कंपेरिटिव डिग्री का ही उपयोग करना है यानी उत्तरावस्था का सेकेंड का दूसरा वाला उत्तमावस्था का नहीं कब जब दो वस्तुओं की तुलना करना क्योंकि दो वस्तुओं की तुलना करेंगे तो ये कहना बेतुकी होगा बेमाने होगा कि सर्वश्रेष्ठ है वो सर्वश्रेष्ठ कैसे हुआ यदि उसकी तुलना एक और वस्तु से की जा रही वो उससे श्रेष्ठ हो सकता है उससे बदतर हो सकता है पर सबसे ज़्यादा ऐसा कहना एक चीज़ से तुलना करने पर गलत होगा तो इसलिए इस बात को याद रखेंगे कि दो वस्तुएं यदि हों तो दो वस्तुओं की तुलना में हम हमेशा कंपैरेटिव डिग्री या उत्तरावस्था का प्रयोग करते हैं न कि सुपरलेटिव का लेट्स डू सम एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ फ्यू एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल गुड ए वेरी कॉमन वर्ड हाउ इज योर ब्रदर टुडे? इज ही बेटर यू वॉन्ट से इज ही गुड क्या वो अच्छा है आप ऐसा नहीं बोलेंगे साथ ही आप ये भी नहीं बोलेंगे क्या वो सबसे अच्छा है आप तो तुलना एक से ही कर रहे हैं तो आपको केवल कहना है ही इज ही बेटर नेक्स्ट इज बैड बैड का मैंने बताया था बैड वर्स वर्स्ट बैड वर्स वर्स्ट इमेजिन द सेंटेंस इज द ट्रेड इज इन ए डैश कंडीशन टूडेन इट वॉज एयर एगो द ट्रेड द बिजनेस इज इन ए बैड कंडीशन टूडे दैन इट वॉज एयर एगो तो यहाँ क्या रहा? आ रहा है बैड आ रहा है बैड नहीं अब तुलना कर रहे हैं तो क्या होगा वर्ष हो जाएगा पिछले साल की तुलना में इस साल का जो धंधा है वह बदतर है वह खराब है नहीं वह बदतर है तो बदतर के लिए आपको सेकेंड फॉर्म लेना होगा कंपेरेटिव इट इज इन ए वर्स कंडीशन इट्स वर्स देन लास्ट वर्स देन ईयर एगो राइट टॉल टॉल टॉलर टॉलिस्ट राइट ये तो आपको मालूम है अब यहां पर जैसा मैंने कहा एक सेंटेंस फिर लेते हैं ही इज दी डैश ऑफ द टू ही इज द डैश ऑफ द टू दो में से वह क्या कहना चाह रहे हैं ऊंचा है तो दो में से वह ज्यादा ऊंचा है क्या ऐसा बोलते हैं क्या दो में से वह सबसे ऊंचा है नहीं दो में से वह हम दोनों में वो ज्यादा ऊंचा है सो ही इज द टॉलर ऑफ द टू ही इज टॉलर ऑफ द टू दो टॉलर यानी सेकेंड फॉर्म सिमिलरली ड्राई ड्राई यानी सूखा ड्राई इज देश पार्ट ऑफ पाकिस्तान सिंध इज द ड्रायर पार्ट ऑफ पाकिस्तान ड्रायर सेकेंड फॉर्म अगेन यूजफुल यूजफुल का मैंने उपयोग पहले भी किया था और आपको बताया था कि Uh, एक सेंटेंस मैंने एक उदाहरण दिया था वही मैं फिर यहाँ दे रहा हूँ बिकॉज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अगेन आयरन इज यूज़फुल का फॉर्म आयरन इज डैश एनी अदर मेटल डैश दैन एनी अदर मेटल आयरन इज द मोस्ट यूजफुल देन एनी अदर मेटल नो आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल अब अदर मेटल मतलब किसी एक मेटल से तुलना कर रहे हैं हम किसी एक मेटल से तुलना कर रहे हैं तो आयरन की तुलना कर रहे हैं तो इसलिए हम कौन सा फॉर्म लाएंगे कंपैरेटिव इट इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल लेकिन यदि हम कह रहे हैं कि सबसे अच्छा है तो हम बोलेंगे आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल ऑफ ऑल आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल ऑफ ऑल राइट यदि हम कहना चाह रहे हैं कि आयरन जो है वो सबसे अच्छा है तब हम क्या बोलेंगे आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल ऑफ ऑल द मोस्ट यूजफुल मेटल ऑफ ऑल नेक्स्ट इज प्राउड प्राउड मतलब घमंड होना आई एम प्राउड ऑफ माई बॉडी मुझे अपने शरीर पर गर्व है घमंड है सो so, प्राउड का क्या इट वॉज द प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ प्राउडर नहीं आएगा अब देखिए यहाँ पर कोई तुलना नहीं हो रही है किसी से लेकिन ये कहा जा रहा है कि मेरे जीवन का सर्वोत्तम क्षण है तो सर्वोत्तम हुआ तो उत्तम अवस्था आएगी यानी सुपरलेटिव आएगा तो प्राउड प्राउडर प्राउडेस्ट इट इज द प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ राइट अगेन गुड का देखिए जब तुलना नहीं हो रही हो तो कैसे होता है द पब्लिक इज डैश जज या ऐसा कहा जा रहा है क्या पब्लिक की तुलना में कोई और भी जज है नहीं कहा जा रहा है सेंटेंस में कि पब्लिक इज द बेस्ट जज पब्लिक इज द बेस्ट जज

जब तुलना नहीं हो रही है इसका मतलब पूरे समुदाय को लेकर बात की जा रही है पूरे ग्रुप को लेकर बात की जा रही है। तो कौन सा फॉर्म आएगा थर्ड फॉर्म लिटल का थर्ड फॉर्म क्या है याद करिए वॉट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ लिटल लिटल लेस लीस्ट लीस्ट सो वर्ड इज दैट इज द लीस्ट प्राइस आई कैन टेक ये न्यूनतम कीमत है जिस पे मैं ले सकता हूं जो मैं ले सकता हूं ये न्यूनतम कीमत है जो मैं ले सकता हूं दैट इज द लीस्ट प्राइस आई कैन टेक लाइट लाइट मतलब रोशनी लाइट मतलब रोशनी और लाइट का मतलब होता है हल्का हैवी का उल्टा लाइट तो सिल्वर इज डैश दैन गोल्ड अब दैन आया तो स्वाभाविक है किसी एक चीज से तुलना हो रही है और यहाँ किस से तुलना हो रही है गोल्ड से जब दो चीजों के बीच में तुलना होती है तो कौन सा फॉर्म आता है सेकेंड फॉर्म सो सिल्वर इज लाइटर दैन गोल्ड सिल्वर इज लाइटर दैन गोल्ड सो यू हैव अंडरस्टूड फिरोशस नेक्स्ट वर्ड इज फिर फिरशस मतलब खतरनाक भयानक एंड

सो so, और तुलना टाइर से है किसकी तुलना टाइगर से है कोई और जानवर टाइगर से खतरनाक नहीं देर इज नो एनिमल मोर फिर दैन द टाइगर देर इज नो एनिमल मोर फिर दैन दैन जहां लगा तो इफ ए सेंटेंस हैदर There are only two things being compared with each other, and so with your eyes closed, you can simply write down the second form. And second form, you must know the correct second form. So here, more ferocious. Okay, that's all. So I mean, this is these are the examples of how to compare when there are two things, and where there are more than two, large number, then we go for the superlative degree. Okay.

किसी चीज़ से रोकने की। रोकने का प्रयास प्रिवेंशन और क्योर मतलब इलाज तो दो चीज़ों की तुलना हो रही है प्रिवेंशन की तुलना क्योर से हो रही है और कहना चाह रहे हैं कि प्रिवेंशन तुलना प्रिवेंशन जो है वह इलाज से बेहतर होता है रोकथाम पूर्व में ही रोकथाम प्रिवेंशन तो पूर्व में रोकथाम जो है वो इलाज से बेहतर है कि इलाज से अच्छा है इलाज से बेहतर है बेहतर कौन सा फॉर्म आया उत्तरावस्था सेकंड फॉर्म सेकंड फॉर्म यानी कंपैरेटिव डिग्री सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर अकबर हैड ए डैश रीजन देन बाबर नोट द वर्ड, द वर्ड इज रीजन आर ई जी आई ओ एन मतलब क्षेत्र एरिया क्षेत्र और रीजन का मतलब कारण उसकी स्पेलिंग है आर ई ए एस ओ एन मैं बात कर रहा हूँ रीजन की अकबर हैड ए वाइडर रीजन देन बाबर अकबर का जो क्षेत्र था वह बाबर से ज़्यादा बड़ा था बाबर से ज़्यादा बड़ा तो अगेन अकबर की तुलना किससे हो रही केवल बाबर से हो रही है और यदि हमको दूसरा यदि हमको कहना है कि अकबर का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा था सो so, अकबर हैड द वाइडेस्ट एरिया ऑफ ऑल द मुस्लिम रूलर मुग़ल रूलर लेकिन यहाँ लेखक कहना चाह रहा है केवल बाबर से तुलना करना चाह रहा है अभी वो और कहता है बाबर से उसका ज़्यादा बड़ा एरिया था सो वाइडर एरिया